हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम समय नापने की इकाइयों के बारे में जानेंगे। कल शेर खान का जन्मदिन है। शेर खान अपने जन्मदिन के लिए बहुत उत्साहित है। जैसे ही वो नींद से जागा, उसने तुरंत उसके बगल में रखी घड़ी में समय देखा। शेर खान सोचने लगा कि घड़ी में 3 सुइयां क्यों हैं? बच्चों, क्या आप जानते हैं कि घड़ी में 3 सुइयां किस लिए होती हैं? घड़ी में सबसे पतली सुई सेकंड में वक्त बताती है। सेकंड समय नापने की सबसे छोटी इकाई है। इस तरह की सबसे लंबी सुई मिनट में वक्त बताती है। 60 सेकंड जोड़कर 1 मिनट बनता है। और घड़ी की सबसे छोटी सुई घंटे में वक्त दिखाती है। 1 घंटा 60 मिनट के बराबर है। बच्चों, क्या आप देख सकते हैं सेकंड की सुई कितने तेजी से 1 मिनट में पूरा चक्कर घूम चुकी और मिनट की सुई 1 मिनट में केवल यहां से यहां तक पहुंची और 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा चक्कर काट चुकी, लेकिन घंटे की सुई केवल यहां से यहां पहुंची। आज शेर खान ने ब्रश और नहाकर तैयार होने का काम भी केवल 30 मिनट में निपटा लिया। रोज उससे ये कार्य करने में कम से कम घंटा भर लग जाता है। शेर खान ने आज मिनटों में नाश्ता कर लिया और स्कूल चला गया। शेर खान की माँ हैरान रह गई कि आज शेर खान बिना बहाना बनाए स्कूल कैसे चला गया। फिर उन्हें याद आया कि ये सब शायद इसलिए है क्योंकि शेर खान के जन्मदिन के लिए केवल 1 दिन बचा है। क्या आप जानते हैं कि 1 दिन 24 घंटे जोड़कर बनता है? जैसे ही शेर खान स्कूल पहुंचा, उसने अपने सारे दोस्तों को अगले दिन अपने घर अपने जन्मदिन की पार्टी में आने का न्योता दिया। गोलू ने उत्साहित होकर कहा कि अगले महीने उसका भी जन्मदिन आने वाला है और वो भी शेर खान की तरह अपने जन्मदिन की पार्टी देगा। बच्चों, आप जानते हैं 1 महीना कितना लंबा होता है? बिल्कुल ठीक, 1 महीने में 28 से 31 के बीच दिन होते हैं। शेर खान ने अपने दोस्तों से कहा कि वो अपने जन्मदिन के लिए बहुत उत्साहित है। वो पूरे 1 साल से अपने जन्मदिन की राह देख रहा था। आखिर उसका जन्मदिन के लिए केवल 1 ही दिन बचा है। क्या आप जानते हैं 1 साल कितने महीनों से बनता है? बिल्कुल सही, 1 साल 12 महीनों से बनता है। सभी दोस्त शेर खान की पार्टी में जाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। उन सभी ने शेर खान को कहा कि वे जरूर उसका जन्मदिन मनाने आएंगे और साथ में एक खास तोहफा भी लाएंगे। शेर खान के जन्मदिन की तैयारी कैसी हुई और उसके दोस्तों ने उसकी पार्टी में कौन सा तोहफा लाया है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हमने समय नापने की इकाइयों के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण द्वारा इसके बारे में और जानेंगे।